नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत और हमारे बगल में है राजेंद्र जी, रविंद्र जी। और अभी सुल्तानपुर चौक के पास हूं और पूछूंगा कि कहां कहां से आए हैं लोग, कहां से आए हैं रविंद्र जी। देखिए, आज तो पूरे बिहार का लोग यहां जुटा हुआ है जी। और पटना से जो जनसैलाब आ रहा है वो आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरीके से, यार हाजीपुर आते हुए तो सारे लोग पैदल चल रहे हैं, पीछे गाड़ी कछुआ की चाल से चल रही है, पूरा रोड भरा हुआ है। हम लोग पहले से कह रहे थे, रामविलास जी ने आदरणीय नेता हमारे संस्थापक हाजीपुर को माँ का दर्जा दिया था और उन्होंने हाजीपुर को बहुत कुछ देने का काम किया। आज उनका बेटा आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत के लिए इस हाजीपुर पर की धरती पर आए हैं और हाजीपुर की जनता समझ लीजिए, अगर माँ रामविलास जी के लिए अगर हाजीपुर माँ है तो हम लोग कोई ना कोई भाई होंगे, चचा होंगे चिराग जी के। अच्छा, पशुपति कुमार पारस जी को क्या कहेंगे? सारे लोग हाजीपुर के उनके लिए आज खड़े हैं और एक नई राजनीति दशा और दिशा आज के बाद बिहार में तय होगी और चिराग पासवान बिहार ही नहीं देश के नेता बनेंगे जी। कुछ कहिएगा चाचा जी? हाँ, कुछ कहा जाएगा, कुछ सवाल हो चिराग पासवान जी को क्या कहिएगा आज ही सवाल? चिराग पासवान तो नेता हो गया, इसमें दो मत है नहीं। पारस जी को तो लोग, गुंडा लोग जो इधर उधर कर करके अध्यक्ष बनाया, वो तो पार्टी तोड़ करके उनको अध्यक्ष बनाता तो होता। पार्टी का अध्यक्ष तो चिराग पासवान है, दल का अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष चिराग पासवान है। पर चाचा जी अपने दावा कर रहे हैं कि हम हैं अध्यक्ष, चाचा पशुपति पारस। हाँ हाँ, तो पार्टी तोड़ करके पार्टी को तोड़ करके दूसरी पार्टी बना करके तब उनको अध्यक्ष बनना चाहिए, तब ना अध्यक्ष। ये पार्टी का अध्यक्ष तो चिराग पासवान हिमसेल खुद है। बिल्कुल, उनको कहने से कुछ नहीं होने वाला है, उनको कहने से कुछ नहीं होने वाला है, समझे? क्या बोले सर? हम आए हैं राजा पकड़ ग्राम गोसपुर बरियारपुर से। क्या कहिएगा चाचा जी को? चाचा जी को तो छोड़िए दीजिए, हम लोग सब दिन चिराग पासवान जी के दल दिल और जान से हम लोग चाहते हैं और भविष्य में भी चाहेंगे, और एक पार्टी लोजपा चिराग पासवान जी का है और रहेंगे सर्वदा, ये कोई मिटाने वाला नहीं है। और चिराग पासवान जी ये बिहार का नेता नहीं है, पूरे भारत का नेता है। चलिए, अब मैं ये इतना ही कहूँगा, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शशि भूषण सिंह। ठीक है, मैं सभी की बातें सुन चुका हूँ, आप लोग सभी दूर दूर से आए। कौन क्लास में पढ़ा है वो? इंटर में। कितना नंबर आया था? 320। ऐसे ही पूछे, ठीक है। चलिए, मैं अभी इतना ही कहूँगा, सुल्तानपुर चौक में हूँ, हाजीपुर में हूँ और ये पशुपति कुमार पारस के लोकसभा क्षेत्र है। तो आप ही लोग ने जिताया जी पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर से? और रामविलास के चलते जिता दिए हैं, रामविलास सर के चलते जिता दिए उनके नाम से, नहीं तो उनको मार के भगाएंगे। अब हम लोग अब आएंगे ना, मारा पीटी नहीं करना यार, मारा पीटी तो चिरागे जी को सहाजेंगे तुम। क्या फैमिली में झगड़ा नहीं होता है? फैमिली में झगड़ा होने का मतलब क्या होता है? अपना घर बिखार ले आदमी, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। झकास भारत यहाँ पे कौन कौन देखता है? हम देखते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप तक खबरें जाती रहे। अभी के लिए कहूँगा धन्यवाद। कैमरे के पीछे राजू जी हैं, क्या नाम है भाई? कार्तिक पासवान जी हैं, धन्यवाद।